खाना छाना पका के ले आई हैं और इधर इंजॉय करने के लिए आ गए। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा दो दरख्तों के बीच में ये बिल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। हम भी ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आप लोग के लिए दुआ करते हैं जी, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में रहें जी। अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ज़रूरी है जी, उसको नहीं भूलना जी, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे जी। शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे चैनल को कौन से सब्सक्राइब करना है? हमारे दो चैनल जैसे आप लोगों को पता है, शाजिया लाइफस्टाइल ऑफिशियल और MSS फैमिली व्लॉग, इन दोनों को आपने सब्सक्राइब करना है जी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर करें। और आप लोगों को पता है कि जब मैं पैदल चलूँ तो बस, वो कहते हैं ना, एक कहावत बनी हुई हमारे पंजाब में पाकिस्तानियों की है, और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जी, मेरी दौड़ इधर तक ही होती है जी। जब मैं पैदल चलना हो तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ जी, निकले हैं बाहर हवा खाने के लिए, तो हवा है भी नहीं, गर्मी है, हल्की हल्की सी स्टार्ट हुई है और मगरब का टाइम है। इधर काफ़ी फैमिली आती है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड बनाया, काफ़ी फैमिलियाँ आती हैं जी इधर वॉक करने के लिए, तो इधर आउटिंग के लिए भी आती हैं काफ़ी फैमिलियाँ, बैठी भी हुई हैं, खाना छाना पका के ले आई हैं और इधर इंजॉय करने के लिए आ गए। और हमारा हाल देखें, इधर कॉलोनी में रहते हैं और अंदर घर उबलते रहते हैं, उबलते रहते हैं, जितनी भी गर्मी हो हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। आज मैं इन सब को बाहर लेके आई हूँ और इसने 500 रुपये का शॉपर इतना इधर मार पे भरा। और ये देखें इधर इधर भी पापड़ चल रहे हैं जी, इधर ये देखें शॉपर फुल खोल के दिखाओ ना, सारा खोल के चेक करा। और ये इनको यही चीज़ पसंद है जी, घर में खाना वगैरह पड़ा जी, हमने मम्मी नहीं खाना है, वो आया शहजादी भी यही खा रही है ना, देखो कैसे देखो उसको, अपने नाम का कितना पता है। आया शहजादी क्या खा रही है? सिलंटी खा रही है, सिलंटी सिलंटी खा रही है, कोई और मकड़ी मकड़ी खा रही है उठा के। आया शहजादी इतनी खामोश होके बैठी है, हद वक्त नहीं बोलते। हाँ बहुत सियानी है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ खाते वक्त। अभी अजान हुई है तो सारे नमाज पढ़ लें, तो इतनी देर में अभी अपना पैकेट खाली कर लूँ तो फिर वीडियो बनाती हूँ। फिर इधर शायद ये पीछे जो उन्होंने लगाया ना, एक ऐसे बड़ा सा इंटरेस्ट में दिल, वो लाइटिंग भी जलाएंगे फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये फुहारे भी अभी चलाएंगे, तब हम निकले देखते हैं बाहर क्या माहौल है। मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत कम, तकरीबन 2 महीने के बाद मैं इधर ग्राउंड में आई, ईद पे आई थी तो अब आई। मगरब की नमाज पढ़ाई गई है जी, अब हल्का हल्का अंधेरा भी छा गया जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है, और अब लाइटें शाइटें उन्होंने जला ली हैं और रश भी और ज़्यादा हो गया, तो अब थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी। जैसे मैंने बताया कि बिजली इतनी महंगी होगी, इतनी महंगी होगी, अब हम ये फ्री की हवा खाने आए हैं, तो अब हल्की हल्की अल्लाह ताला ने हवा चला भी दी, ऊपर से बादल भी छाए हैं और काफ़ी फैमिलियाँ इधर और आ गई हैं, और इधर और भी सेटअप लग रहा है जी, वीडियो शूट होने वाली है। ये देखें जी, इस टाइम चांद का माहौल कितना खूबसूरत लग रहा है, चांद फुल निकल आया जी, फुल, जैसे कहते हैं कि 14वीं का चांद बहुत खूबसूरत होता है जी, आज 13 चांद को है जी, और ये तकरीबन फुल निकल आया, और वो दूर से आधा दिल नज़र आ रहा है क्योंकि आगे दरख्त आ गए। तो इधर से चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये अंदर उसकी लाइटिंग लगी हुई है, ये अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दो दरख्तों के बीच में ये बिल है जी। ये इस वक्त लाइटें शाम को मगरब टाइम जला देते हैं, तो अभी फुहारे नहीं चलाए, तो हम अब चलते हैं घर, थोड़ी देर इधर बैठे हैं, तकरीबन 5-10 मिनट बैठे हैं, तो फिर चलते हैं घर क्योंकि अंधेरा छाने वाला, शाम को खाना भी बनाना है, तो बच्चे सारे मेरे साथ ही आ गए हैं, घर को लॉक भी नहीं लगाया, ऐसे ही कॉलोनी में छोड़ के आ गए। वैसे कोई मसला मसाइल तो नहीं होता कॉलोनी में घर अकेला छोड़ने में, तो वैसे पीछे कोई मेहमान वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए तो फिर बस 10 मिनट बैठे हैं तो फिर चलते हैं घर। मस्जिद में अभी लाइटें वगैरह जल रही हैं, कुछ नमाज पढ़ रहे हैं नमाजी, और कुछ किसी ने पढ़ लिए।
अच्छा तो अब हम चलते हैं घर की जानब जी। बहुत हवा शवा फ्री के खा ली थी, हवा थी भी नहीं, बस हल्की हल्की थी जो लग भी नहीं रही थी। अब हम चलते हैं जी अपनी वो बिजली वाली हवा खाते हैं पैसों से जो हमें झेलनी पड़ती है जी। अब झेलना तो पड़ेगा, चाहे यूनिट 100 का हो तो चाहे 70 रुपये का हो, अब बिजली तो इस्तेमाल करनी है, हवा तो हमें लेनी ही लेनी है। अब हम चलते हैं घर। इधर अंधेरा काफ़ी हो गया, तकरीबन 1 घंटा तो मुझे हो गया था इधर कॉलोनी में आए हुए। तो अब शाम के खाने का जाके अरेंजमेंट करते हैं, तो चलते हैं घर। मुझसे तो इतना ही चला जाता है जी, क्या करूं, साथ साथ वीडियो भी बनानी पड़ रही और साथ साथ चलना भी पड़ रहा है जी। पैदल मैं बहुत कम चलती हूँ जैसे आप लोगों को पता है जी, और बच्चियाँ आगे पीछे आ रही हैं जी, तो मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ। आगे गाड़ी वाला भी एक आ गया है, ये देखें जी।